विवेकता जी, सबसे पहले तो आप हमारे शो में आई। आज हमारा 200 एपिसोड कंप्लीट हो गया है, हमारे लिए एक उपलब्धि ही है। तो इस खुशी में आप आई और डेली खजाना का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इस तरह से सपोर्ट करने आया, हमारी खुशियों में शरीक होने आया। तो क्या बोल रही थी, कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? 200 का सफ़र आप लोगों ने पूरा किया। ऑब्वियसली 200 का सफ़र था बहुत प्यारा रहा है। मतलब हमारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स सब ने एक मिलजुल के एक बच्चे की तरह सारे एक्टर को रखा और हम भाइयों की तरह ही काम किए हम लोगों ने एक दूसरे के साथ। तो सच बोलूँ तो 200 एपिसोड कम कर ऐसे लग रहा है कि 20 एपिसोड कम्प्लीट हुआ है, बस एक जीरो का फ़र्क है। लेकिन सच बोलूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हम लोग का शो स्टार्ट हुआ था, टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला 200 एपिसोड कब हो गए पूरे। ओके, अब तक आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट चांस 200, क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर है इन 200 एपिसोड के दौरान? पर्सनल इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कैरेक्टर्स को पकड़ने में बहुत तकलीफ होती है एज एन एक्टर, समझने में लोगों को समझने में मिलजुल के, मतलब जो एक्टर कॉम्बिनेशन होता है वो सब चीज़ें। तो धीरे धीरे जब एक्टरों का सपोर्ट मिलता है और लोगों का प्यार मिलता है तो चीज़ें बदलती हैं। मतलब जब किसी काम को कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं तो एक एक्टर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है। हम लोग अपने कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं, अपने कैरेक्टर्स के रिदम को पकड़ लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली हम उसी कैरेक्टर को जी रहे थे। हम घर जाते तो मेरे इसमें कैरेक्टर का जो नाम है मुरली, तो हर जगह जाता हूँ तो यार मुरली, मेरी मम्मी भी कभी कभी बोलती है मुरली, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली मतलब चेंजेस, ऐसा ह्यूमन बींग भी बहुत अच्छा फील होता है यार, डाउन टू अर्थ रहने का मन करता है यार, इतना लोग प्यार करते हैं यार, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। ओके, अगर आपको कोई फेवरेट मोमेंट की बात करें शो से, आपको कौन सा फेवरेट मोमेंट है पूरे 200 एपिसोड में, फर्स्ट डे के बाद के सेकंड थर्ड या जो भी आपको बहुत प्यारा लगा? इक्ता जी, सबसे फेवरेट मोमेंट तो मेरा हमेशा रहता है क्योंकि मैं जो नंदनी है मेरी बहन है और काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है एक भाई बहन के बीच में। तो जब जब मैं उसके साथ प्ले करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेरी जो बहन है उसके लिए मैं मतलब खड़ा हो रहा हूँ। जब किसी बुरे सिचुएशन में रहती है, किसी प्रॉब्लम में फंसी रहती है, तो मैं एक भाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ज़्यादातर मोस्टली शो में हीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, हीरोइज़म दिखाया जाता है, एक हीरो भाई भी होता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक ब्रदर की तरह आया, दिखा दुनिया को कि ये देखे कि हीरो सिर्फ हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, ये सब नहीं, हीरो भाई होता है। तो मुझे ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बहन को दिखाऊं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो मेरा हर मोमेंट अच्छा ही होता है, मेरा रोल जब जब मैं आता हूँ इस रोल को प्ले करने के लिए, सारा मोमेंट मेरा अच्छा होता है। आपकी बॉन्डिंग की बात करें तो आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग तो नंदनी के साथ है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीन्स तो मैं उसके साथ ही करता हूँ और सारे लोगों के साथ है। मतलब हर कोई स्पोर्ट वाला से लेके लेट्समैन से लेके डायरेक्टर साहब से लेके हर कोई, मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब सबका एक चीज़ को बनने में ना एक जन का हाथ नहीं होता, पूरी टीम की हाथ होती है। हम थक जाते हैं तो हम हमारे अंदर एनर्जी, स्पोर्ट दादा ला के हमें पानी पिला देते हैं जिससे हमारी एनर्जी आती है, हमें और काम करने का इच्छा होती है। तो हर किसी के साथ हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, हर किसी के साथ हम लोग भाई की तरह रहते हैं। ऑब्वियसली ऑडियंस को मैं ये बोलूँगा कि 10 और बढ़वा दीजिए ना प्लीज़, 200 से 2000। आप लोग बस ऐसे ही हमारे शो को देखते रहें और प्यार करते रहें, इतने हमारा शो ऐसे आगे बढ़ते रहे, हमारे एक्टर्स आगे बढ़े, उन्हें सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत दूर से आते सपने लेकर कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, आप सिर्फ आप लोग ही देखते हो तो वो कहीं जाके पहुँच पाते किसी एक मुकाम पर। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। Yeah. Hi, this is Prashant Rai and you are watching Daily Khazana. Thank you so much. So this is Prashant Rai signing off. Thank you.